यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना परिचय का सभी जनन का प्रणाम करी थे। या जो है जमुई तिराहा है, जमुई तिराहा में नया बस स्टैंड है, नए बस स्टैंड से बस निकलती है, किंतु हमारे पीछे यह भीड़ दिखा ला ही, ये देखी ला है, लगातार जो है आंदोलित थी, आक्रोशी थी, बस के किराया का लेके का मांग ही अपना बच्चे के का मांग ही। मेरी मांग ये है कि बच्चे जो आ रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, उनको बैठाया नहीं जा रहा है, उनको बैठाते हैं तो आते रास्ते में उतारा जा रहा है, और उनसे पूरा पूरा जितना भाड़ा है 40 रुपये भाड़ा लेते हैं, उसे कम से कम आधा किया जाए, या प्रशासन अपने तरफ से 2 बस चलवाए जिससे स्टूडेंटों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए कहा चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन आके यहाँ पे जो भी है जो निर्णय यहीं पे क्लियर करे, हम लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। कल हम RTO अधिकारी खुद आए, RTO अधिकारी खुद आए, कलेक्टर साहब आए, इसके बाद ही सब क्लियर हो। अभी कलेक्टर सर के पास कॉल गया तो बोलते RTO ऑफिसर को, RTO ऑफिसर के पास कॉल कर तो बोलते कहीं और जाओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? और अभी अभी तक प्रशासन कहाँ था? आज तक प्रशासन कहाँ नहीं सहेगा? अब छात्र नहीं सहेगा। हम लोगों से कल 60 रुपये लिया गया, आधे रास्ते में 7 बजे हम लोगों को उतार दिया गया। उसके लिए मैं हम लोग पैदल गए 16 किलोमीटर हम लोग पैदल गए हैं। चलिए लगातार जो है थे लड़का जो है छात्र आंदोलित है, कहाँ बजे ही का समस्या का ही? देखिए अब हम पहुँचे हैं निठा समस्या जाने खातिर कि लड़कियों की जानकारी मिली कि जो उन लड़का यहाँ से बस से जा रहे हैं, उस समय पूर्व में हमू पाँच कई बार की यह चीज़ का NSUI लेके आवाज उठावर रही कि जो उन छात्र जात में यहाँ से बसन में तो उनका कहो ना कहो किराया हाफ दिन जाए, और कुछ किलोमीटर में उनका कहो ना कहो छूट दिन जाए किराए से। छात्र पढ़े खातिर आवत है, इतना पैसा तो हो नहीं उनके लगे कि खर्चा कह सके, कोनो मेर की मदद हो सके। तब बस मालिकन के बीच में सामंजस्य प्रशासन का बैठावे कर रहा है, पर प्रशासन कहो ना कहो ये चीजन में कोनो मेर के बात नहीं उठा रही लगातार छात्रन के हित खातिर। नहीं तो ये बताइए थे जैसा कि अब BTO वहीं कही थे उन्हों के द्वारा ये बतावा का कि उनका हाथ पकड़ के बस से नीचे उतार देंगे, काहे कि वो एक फुल सीट के पैसा नहीं दे रही जी। मतलब जैसा गंतव्य सीधी से रीवा तक है तो रीवा तक के किराया यदि न दे ही तो उनका जो है सीट से उठाई के नीचे उतार दी। नहीं नहीं, निश्चित तौर पर अगर ऐसा हो रहा है तो एक जांच हो चाहिए, और गलत मालिक है। अगर परिवहन के जो मालिक हैं उनके साथ अगर ये स्थिति बनाई जा रही तो निरंतर बिल्कुल छात्रन के साथ और छोट बहिन के साथ अगर ये मेरे की स्थिति है तो अभद्रता बिल्कुल गलत थी। दोनों मेरे की स्थिति परिस्थिति न बने चाहिए, कहना चाहिए बहुत गलत है, और एक खातिर प्रशासन का कार्रवाई निश्चित तौर पर करना चाहिए। निश्चित तौर पर एठे जो है हमारे पीछे जो हालात देख रहा है छोट जो है जो है कॉलेज में आवत है, कॉलेज में ये अपन जो है CC परीक्षा चल रही है, और बस में जो है किराया कले की यह विवाद है, और किराया के चलते जो है यह पूरा घटनाक्रम हो रहा है। ये माँ प्रशासन से मांग की जाला ही, किंतु अबे तक जो है एठे जो है यह बताई कि का है एठे अपना बच्चे बस मालिक है, और यह बताइए यह मेल छात्र जो है विरोध कर रहे हैं बस के संचालन के कि उनका बीच रास्ता से उतार दिए जाते हैं, काहे दिक्कत का है? दिक्कत यह है कि प्रशासन यह कहा थी कि सीट ले जी, पूरा किराया में ले जी, लड़कियन का हम पचे अभी तक ले आवत रहे, कहाँ दिक्कत नहीं, यह सिर्फ समस्या 3 दिन से भाई बाकी यही लड़कियाँ यहीं गाड़ी में आवत रहे। अब यह प्रशासन के पहल के बाद हमारे से कितने जने का लाइके गए आगे गए तो हमका जबरदस्ती हमारे साथ नाइंसाफी होती, हमारे साथ थोड़ा भी मिसबिहेवर होता है, यह वजह से हम मजबूर हैं कि हम सीट भर लीजिए। अब किराया जितना है ओमा ये तो नहीं अड़ी कि हमको उतना चाहिए, लेकिन डीजल के रेट के चलते थोड़ा बहुत भाई बढ़ा के दी, ऐसे कि अगर हम 30 लड़कियन का लैन सिमरिया लैन तो 300 रुपया बनी, और 300 रुपया हम डीजल नहीं कवर हो सके भाई, 30 रुपया किराया है तो कम से कम 20 रुपया दे, 15 रुपया दे। एक बावजूद आओ अब यहाँ जब एट से चलन लड़कियाँ बैठी हैं 80 जने आगे जाई थे तो आगे प्रशासन हम करों की देते। कल भूपेश वैस सिमरिया चौकी प्रभारी 10 लड़के 5-5 रुपये वाले थे हमारी गाड़ी में, उन्होंने जबरदस्ती भला बुरा कहा और ये कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आपको चलान बनवाना होगा। कितने के चलान बनवाए? 500 रुपये का उन्होंने, मैं बात पैसे की नहीं, बात तो जो शेड्यूल आएगा वो, लेकिन बनवाना हो। फिर 6 बजे लड़कों को सबको पूरे पैसेंजर को उन्होंने उतार दिया, 30 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती थी उन्होंने, वो लड़का है उनसे पूछे 30 किलोमीटर आगे। अब जब 30 इसमें दिक्कत नहीं है प्रशासन को, किसी लड़के को कोई जानवर खा ले कहीं भटक जाए परेशान हो जाए पूरी गाड़ी खाली करवा दी, लड़कों को बोल दिया आप जाओ,
यही समस्या, बीच का रास्ता प्रशासन जो अपनाए हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं तो यह बताइए कि अपना पंचायत नहीं अपना पचे जो है किराया कौने हिसाब से ले थे? किराया जो निर्धारित मानदंड रहा किलोमीटर के हिसाब से हुई ना? नहीं किलोमीटर के हिसाब से। हाँ तो कौन प्रथम एक किलोमीटर का 7 रुपया, उसके बाद प्रति किलोमीटर 1 रुपया, ऐसा ये 2005-4-5 का है बना हुआ किराया है। उसके बाद किराए में कहीं वृद्धि नहीं हुई, हम लोग लगातार किराया वृद्धि की मांग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी नहीं हुई। पुराने किराए में मुश्किल है कि पुराना किराया मिल जाए, उसमें भी हम लोग कमीशन देते थे, डिस्काउंट देते थे, चलाते थे, अभी तक चलता था। जिस दिन से वहाँ सरदा वाली घटना हुई प्रशासन एक्टिव हुआ, तो हमको 30 सीट ले जाना है, अब 30 सीट ले जाना है तो उसमें 30 सीट में हम 10 रुपये पर सवारी ले जाएंगे, फिर ये भी दिक्कत नहीं। लड़के कहते हैं कि हम जाएंगे, आप कहते हो नहीं ले जाएंगे, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, उससे रुक गया काम आगे। मतलब एकर का है बीच के हल यदि अपना रास्ता प्रशासन जो भी रास्ता निकाले हम तैयार। अपना मान ली प्रशासन की भूमिका महान तका बीच हम तो थोड़ा थोड़ा दोनों को, भाई लड़के अगर 10 दे रहे हैं तो कम से कम 15 दें 20 दें, थोड़ी इस समय परीक्षा चल रही है, 30 सीट की गाड़ी है, हम हिसाब से चलाएं, लेकिन उनको पहुंचाना तो है, ये तो हम भी मानते हैं। ऐसा तो अपना ओवरलोड के पक्ष में है कि थोड़ा बहुत ओवरलोड के गुंजाइश नहीं, ओवरलोड के पक्ष में नहीं आए। हाँ। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था चाहे जैसा की बने, अगर ओवरलोड से बना तो ओवरलोड से बना, नहीं दूसरी नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए सरकार फिर लड़कों को पूछो बनाने के लिए। निश्चित तौर पर अब अपना वो है का शुभ नाम लिखे थे रमाकांत मिश्रा। रमाकांत जी ये बताइए कि ये का आखिर समस्या का है, काहे समाधान नहीं निकल पा रहा है? अभी तक हम लोग इनकी सेवा कर रहे थे, पर अब प्रशासन हमको ओवर सीट नहीं ले जाना देती, एक जगह नहीं 4 जगह चलान होता है, तो प्रशासन अगर अनुमति दे तो हम तैयार हैं ढोने के लिए, और 10 रुपये में आज तक ढोए हैं बच्चों को, और 90 रुपये। अब कहाँ समस्या, कहाँ समस्या? जब ओवर सीट नहीं जाएगी तो डीजल का पैसा नहीं मिलता, किराया देने के लिए भी बच्चे तैयार नहीं है। ये परिस्थिति में आप कहा करब अपना खड़ी कर देंगे बस को, नहीं जाएंगे। प्रशासन जो जब वो करेगा, इसकी व्यवस्था करेगा, तब जाएंगे, हम लोग खड़ी कर देंगे। निश्चित तौर पर देखिए हम बैठे, धीरे धीरे पुलिस के मूवमेंट शुरू हो गया है, पुलिस आवे लागी, और लगातार जो है ऐठे विरोध जो है छात्र दर्शाए रहे हैं, दर्ज कह रहे हैं, किंतु अबे प्रशासनिक अमला कौनो नहीं पहुँचाए ऐठे, न कौनो कलेक्टर पहुँचे आई, न SDM पहुँचे आई, न कौनो ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति पहुँचा है जो यह बात का या मामला का सुलझा सके। हालांकि यह सब हमारे पीछे देख लिया है, यह बस जो है रोकी गई हैं, बस रुकी हैं, एम सवारी फंसे हैं, कई एक लोगों के जरूरी काम रुके हुए हैं, किंतु अभी तक प्रशासन जो है हम अपना का समय बता दी कि 2:47 हो चुके हैं, अभी तक कोई ऐठे यह पूरे घटनाक्रम में नहीं आ पावा है, लगभग 1 घंटा से यह घटनाक्रम जारी है, किंतु सवाल सबसे बड़ा यह है कि का लड़का स्कूल छोड़ दें, कॉलेज छोड़ दें, कि बस मालिक अपन बस चलाऊ छोड़ दें, प्रशासन यह में जो में लापरवाही पहले कर रहा आजो कह रहा है, और स्थिति यह है कि लोग और यह रास्ता थम चुका है, और अभी तक जो है कौनों में के राहत यह पूरे मामला में मिलत नहीं दिखाई रही है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम।